हर पतंग को कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छूकर दिखाना होता है, इन्हीं शब्दों को सिद्ध करने में लगे हैं हमीरपुर के प्रसिद्ध लेखक और कहानीकार संदीप शर्मा। उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ मनोरंजन ही नहीं अपितु जीवन की सच्चाई से भी रूबरू करवाती हैं। संदीप शर्मा द्वारा लिखित किताब अपने हिस्से का आसमान और अस्तित्व की तलाश पाठकों के बीच खासी लोकप्रिय रही। DAV Public School Hamirpur is a school with a difference, where excellence guides success. It has a highly dedicated and experienced faculty, latest state-of-art science and computer labs, plenty of activities like NCC, NSS, a huge well-stocked library, indoor and outdoor games, a cozy kindergarten where individual attention to each child is given, has a safe, secure campus with fleet of buses available for transportation, yagya and motivational classes are also held from time to time. Come be a part of DAV family. Admission open for limited seats. Contact us at 01972226060 222760. इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय कवि संगम हमीरपुर और साहित्य सृजन अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को वीडियो कार्यालय हमीरपुर के सभागार में एक दिवसीय साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हमीरपुर के लेखक संदीप शर्मा की दो पुस्तकें अस्तित्व की तलाश और अपने हिस्से का आसमान कहानियों पर करीब 20 साहित्यकारों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडी सरकाघाट के साहित्यकार हंसराज भारती ने की। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में काव्य पाठ हुआ, जिसमें जिला भर के नवोदित कवियों और साहित्यकारों ने भाग लिया। काव्य पाठ सत्र की अध्यक्षता बिलासपुर से रतनचंद निर्जर ने की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए पाठकों में साहित्य में रुचि पैदा करना और शोधार्थियों को कहानी विद्या की बारीकियों पर चिंतन करना रहा। कार्यक्रम के संयोजक संदीप शर्मा ने बताया कि साहित्य में रुचि संवेदना मानवीय विज्ञान और सामाजिकता को बढ़ावा देती है और आधुनिक समाज में पुरातन परंपराओं के साथ साहित्य की रोशनी बढ़ाती है।